मेरे पास। मैम आ गई। हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। अब गाइस आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो में ना भाई मेरी किस्मत कतई झंड रहती है, मतलब आधे मैच में मेरी पिंग रहती है 200 के आसपास। तो मतलब 200 की पिंग में खेलना भाई साहब कतई हार्ड हो जाता है, और वैसे भी मेरी पिंग हाई रहती है हमेशा। और भाई सेकेंड चीज़, इस वाले गेम प्ले में ना मैं बिना मतलब ही नॉक होता रहता हूँ, और भाई देखने वाली बात ये होगी कि भाई मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ लास्ट तक। और लास्ट तक भाई इस वाले गेम प्ले में हमारे 27 किल्स होने वाले हैं, तो भाई कतई नेक्स्ट लेवल वाले मजे आने वाले हैं। तो गेम प्ले को पूरा देखना। और फिलहाल की बात करें तो भाई हॉट ड्रॉप पे तो बंदे उतरते नहीं है, इसलिए यार हम उतरे इन तंबुओं पे, और किस्मत से भाई यहाँ पर आ जाते हैं 3 बंदे। अब यार यहाँ पर हमारी किस्मत हल्की खराब रहती है, क्योंकि ये हमसे पहले उतरते हैं और इन तीनों बंदों को गन मिल जाती है। अब यहाँ पर यार सिर्फ मेरे को गन मिली थी और मेरे टीममेट के पास गन नहीं थी, और ये बंदे भाई साहब हम पे रस भी करने लगते हैं। अब खैर जो भी था भाई, मैंने सोच लिया था कि अब लॉबी जाना कंफर्म है, क्योंकि इन तीनों बंदों के पास गन थी। खैर जो भी था भाई, अब सामने मेरे को म्यूटेंट दिख जाती है। अब भाई जैसे इसको नॉक किया ना, इसके बाकी के 2 बंदे हम पर बुरी तरह रस करते हैं। अब 2 बंदों को हमने नॉक कर दिया था, अब बचा था सिर्फ लास्ट वाला बंदा, जो कि मेरे को सामने की तरफ दिख जाता है। अब इसके बाद मैं लेफ्ट से जाता हूँ और देखो वो कहाँ पे निकलता है। अब इस बंदे ने ना भाई एकदम से हार्ट अटैक दे दिया था। मैंने सोचा कि भाई ये पीछे टीपी पे ले रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर आकर सांप बन जाता है घासों पे। खैर जो भी था भाई, वेक्टर रहती है, इस वजह से यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। अब इसके बाद हम फटाफट इसकी ग्रेड वगैरह लूटते हैं। अब यहाँ पर यार इन बंदों ने भी पूरी तरह लूट नहीं करी थी, तो हम भी यहाँ पर लूट करते हैं। एंड इतने में भाई साहब सामने एक बोर्ड दिखता है। अब इसके बाद यार यहाँ पर हमने लूट कर ली थी, तो टाइम आता है यहाँ से निकलकर बाकी के बंदों की बाट लगाने का। तो यार मैं फटाफट यहाँ से यूएस उठाता हूँ, और भाई नूब को बैठाकर हम निकल पड़ते हैं भाई बंदों को ढूंढने। अब भाई हम जैसे थोड़ा दूर आते हैं, तभी यार मेरे को ओपन में कुछ बंदे भागते हुए दिखाई देते हैं, तो मैं फटाफट यार यूएस को कवर में रोकता हूँ। और देखो भाई अब ये जो बंदे थे बेचारे भाई बीच में फंस गए थे, ना इधर के रहे ना उधर के, और इनमें से एक बंदा तो बुरा ही फंसता है। वो देखो ओपन में। अब ये बंदा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई हमारे हाथ चढ़ जाता है। खैर भाई अभी भी एक बंदा था जो कि पेड़ के पीछे बैठा था। अब भाई मैं फटाफट बाहर जाता हूँ, और देखो भाई अब मारेगा। अब यहाँ पर यार मैंने इस वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था, तो मैं फटाफट नॉक को बोलता हूँ कि भाई तू रस कर दे, और भाई वो इस वाले बंदे को नॉक कर देता है। अब यहाँ पर यार ये सिर्फ 2 ही बंदे रहते हैं, तो मैं फटाफट यूएस उठाता हूँ और भाई आगे की तरफ रस कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं पूरा एक गोल चक्कर लगाता हूँ, पर यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही बंदे रहते हैं। अब इसके बाद मैं इसको फिनिश वगैरह करता हूँ, इसकी क्रेट वगैरह लूटता हूँ। एंड इतने में भाई साहब शेल्टर की तरफ से फायरिंग होती है। अब यहाँ पर भाई इन सबको निपटाने के बाद ना हम अपनी मस्ती में तकते, और भाई मैं जा रहा था पीछे की तरफ, लेकिन पता नहीं ये बंदे कहाँ से आ जाते हैं। अब इसके बाद भाई एक तो मेरी पिंग हाई है, ठीक है, और दूसरी बात मैं क्लिक कहीं पे कर रहा हूँ और हो कहीं रहा है। खैर जो भी था भाई, अब यहाँ पर यार नूब सबको संभाल लेता है, तो मैं फटाफट इसको फिनिश वगैरह करता हूँ। और यहाँ पर यार हम इनकी क्रेट वगैरह लूटते हैं और भाई साहब निकल पड़ते हैं फिर से बंदों को ढूंढने। अब इसके बाद हम आते हैं रोजोक, और भाई यहाँ पर तो कतई लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा रहा था, मतलब सारे गेट बंद पड़े थे। तो भाई अब हम डिसाइड करते हैं कि अब जाए जाए पोचिंग की। अब जैसे हम पोचिंग की तरफ जा रहे थे भाई, तभी मैं देखता हूँ कि सामने से 2 यूएस आ रही है। अब इसके बाद मैं फटाफट यार बग्गी को मोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बग्गी रोकता तो भाई डब्बा बनना कतई कन्फर्म था। अब भाई किसी तरह हम यहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब बग्गी ने भाई अच्छा साथ दिया। खैर जो भी था भाई, अब इसके बाद मेरे पास AWM थी, तो अब बारी है भाई इन बंदों की वाट लगाने की। अब इस वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और भाई फिनिश नूब कर देता है। अब भाई इतने में ये यूएस वाला मतलब अकेला भाई हम पे रस कर देता है, मतलब पता नहीं क्या सोच के रस करता है। खैर जो भी था भाई, अब हम सोचते हैं कि पहले इसकी वाट लगाई जाए। तो भाई देखो, अब यहाँ पर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते कि बंदा होगा भाई सामने वाले घर में, क्योंकि यूएस वहीं पे रुकी पड़ी है। लेकिन देखो बंदा कहाँ पे निकलता है। अब भाई यहाँ पर मेरे रिफ्लेक्स बताओ यार कैसे थे, मतलब मार तो नहीं पाया, लेकिन हाँ हेड जरूर कनेक्ट कर दिया था इसको। खैर जो भी था भाई, अब इसके बाद नूब उसको नॉक कर देता है, क्योंकि हेड तो मैंने मार ही दिया था। अब इतने में रिवाइव होता हूँ ना, तो इतने में इस वाले बंदे के बाकी की स्क्वाड आती है और देखो मेरे साथ क्या होता है। अब इसके बाद भाई साहब मेरे को तो एक गोली चलाने का मौका नहीं मिलता भाई, पहली गोली में ही मैं नॉक हो जाता हूँ, क्योंकि हेल्थ ही कम थी। अब यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं एक बार और नॉक हुआ ना इस वाले मैच में, तो मैं खुद अपने ऊपर नेट मार के मर जाऊँगा। तो एक बार फिर से हम बंदों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, और भाई अब हम मतलब कहाँ कहाँ बंदे ढूंढते हैं पर बंदे कहीं नहीं मिलते। तो भाई मैं जा रहा था यहाँ से, और तभी देखता हूँ भाई पीछे से एक यूएस वाला आ रहा है, और भाई साहब ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था, मतलब कतई यूएस हमारे ऊपर ला कर ठोक देता है। और देखो भाई क्या होता है। अब इस वाले बंदे ने पूरी कोशिश करी कि मेरे को गाड़ी से कुचल सके, पर बेचारे की ड्राइविंग फेल हो जाती है, और इसकी यूएस भाई हमारी बग्गी के ऊपर चढ़ चुकी थी। तो अब इन दोनों को छुड़ाना जरूरी था, तो मैं बग्गी में बैठता हूँ और नूब को बोलता हूँ कि वो बैठे यूएस में, और भाई आगे पीछे करके हम इनको छुड़ा देते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ तो खैर जो भी था भाई, अब इसके बाद हम यहाँ से बग्गी लेते हैं और फिर से बंदों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद यार हमको जाना था जोन में, और जैसे ही हम जोन की तरफ बढ़ रहे थे ना भाई, तभी सामने वाले पेट्रोल पंप पे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यार पेट्रोल के रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। खैर जो भी था भाई, अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले रिच के कवर में गाड़ी रोकते हैं, और यहाँ पर मैं बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, पर बंदे कहीं नहीं दिखते। खैर इतने में जैसे ही मैं एनर्जी ड्रिंक को खोलता हूँ ना भाई, तभी देखता हूँ कि सामने एक बंदे ने जंप किया है, तो मैं फटाफट इधर आता हूँ। ये बंदा यहाँ से ओपन से आ रहा था, तो इसको मैं ठिकाने लगा देता हूँ, और पीछे से इसका टीममेट फायर करता है, तो उसको भी मैंने डैमेज दे दिया था। और इतने में भाई नूब लेफ्ट से जाकर उसको नॉक कर देता है, तो मैं आगे की तरफ रश करने लगता हूँ, और तभी भाई ये बंदा यहाँ पर बैठा था, और भाई मेरे को इसका हेड दिख जाता है। खैर जो भी था भाई, अब 3 बंदे नॉक पड़े थे, और अब बचा था सिर्फ लास्ट वाला बंदा। अब इसका लास्ट वाला बंदा भाई साहब रिवाइव दे रहा था, और उसको मैं इजीली मार देता हूँ, और इसी के साथ भाई हो जाती है ये वाली स्क्वाड वाइप। अब इसके बाद यार हम आराम से जोन इन कर सकते थे, क्योंकि हमने इनकी लड़ाई सुलझा दी थी। तो मैं फटाफट यार लंबारी लेकर आता हूँ अपनी, और अब नूब ड्राइविंग करेगा और मैं फ्यूल भरता हूँ, मतलब पेट्रोल पम्प से फ्यूल ले लिया यार हमने। खैर जो भी था भाई, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, और यार फिर से बंदों को ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना भाई, तो हमको यहाँ पर मिलता है एक 69 IQ वाला एनिमी। अब देखो हम जैसे यहाँ से जा रहे थे, तो बंदा हमको दिख जाता है, वो इस वॉल के पीछे के बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इस वाले बंदे को AWM से मारूंगा, क्योंकि ये एक ही बंदा था यहाँ पर। अब इसके बाद मैं जैसे इस वाले घर के पास आता हूँ ना भाई, तभी मेरे को आवाज़ आती है कि ये वाला बंदा भागकर इस वाली 3 स्टोरी में आ गया है। अब यहाँ पर यार इस वाले बंदे की 69 IQ वाली ट्रिक देखना आप। नहीं बैठना अब यहाँ पर मेरे को इतना पता था कि यहाँ से इसकी जंप करने की आवाज़ तो आई नहीं है, तो ये पीछे साइड में ही होगा। और इतने में पीछे से इसका बंदा ग्रोजा लेके आ जाता है इसको बचाने। खैर यहाँ पर मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ और लास्ट में मैं डिसाइड करता हूँ कि अब इसको हवा में मारा जाए। और भाई इस वाले बंदे को मैंने हवा में काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था और जैसे ये ज़मीन पे पैर रखता है और ज़मीन पे पैर रखते ही मैं इसका डब्बा बनाकर लॉबी में पहुंचा देता हूँ और अब सिर्फ जोन में बचा था एक बंदा। अब देखो आप सभी पूछते हो ना भाई कि तुमको यार इतने बंदे कहाँ से मिल जाते हैं, हमको तो बंदे ही नहीं मिलते। तो भाई देखो हम कितना ज़्यादा ढूंढते हैं तब जाकर हमको बंदे मिलते हैं। तो इस वाले गेम प्ले में अब लास्ट वाला बंदा बचा था और देखो भाई एक बंदे को ढूंढने में हमको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर यार मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है और देखो भाई कितना टाइम लगता है। अब देखो भाई हमने हर जगह देख लिया, मतलब बंदा कहीं नहीं है भाई। अभी तो देखते जाओ बस, हम मतलब एक एक कोना देख लेंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये बंदा है तो है कहाँ। अब जोन के दो चक्कर लगाने के बाद हम सोचते हैं कि ये वाला बंदा है, क्या पता यहाँ पानी के साइड में बैठा हो मतलब। लेकिन यहाँ पर आते हैं ना भाई तो बंदा यहाँ पर भी नहीं निकलता। तो भाई मैं तो सोच रहा था कि ये बंदा ज़रूर मतलब गांजा उंजा फूंक के कहीं बैठा होगा किसी झाड़ी में। तो यहाँ पर मैं झाड़ियाँ भी चेक करने लगता हूँ पर ये झाड़ियों में भी नहीं निकलता। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जोन आ गया था और भाई ये वाले जो घर थे ना ये हल्के हल्के जोन में थे। तो मैं सोचता हूँ कि क्या पता भाई इन घरों के अंदर बैठा हो। तो अब इसके बाद हम यहाँ इन घरों पर रोकते हैं और भाई मैं ये स्नाइपर टावर चेक करता हूँ, ये सैक चेक करता हूँ, ये वाला छोटा कंपाउंड चेक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बंदा नहीं निकलता। और भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मैं कतई मैच लीव करने वाला था यहाँ पर क्योंकि हर एक जगह देख ली पर बंदा मिलने को राजी नहीं था। खैर जो भी था भाई, अब इसके बाद हम लास्ट वाला चक्कर लगा रहे थे और भाई किस्मत से फाइनली मेरे को ये वाला बंदा दिख जाता है। ये कतई भागकर बीच में लेटा था तो मैं फटाफट यार अपने टीममेट को मार्क करके बता देता हूँ कि अभी अभी बीच में मेरे को दिखा था। तो वो बीच की तरफ गाड़ी ले जाता है और तभी अब यहाँ पर यार किल मेरे ज़्यादा रहते हैं लेकिन MVP नूब बन जाता है। अब शायद यार उसने मेरे को 3 बार रिवाइव दिया इसीलिए। खैर जो भी था भाई, अब गेम प्ले कैसा लगा यार आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा देना भाई, दबाने के लिए है वो। और बेल के आइकन को ऑल पे कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन मिले आपको सारे गेम प्लेस की। और यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो यार मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट गेम प्ले, पीस।